Namaste, welcome back in my channel with Be Perfect with Nisha. And hi, I am Nisha here. So यहीं से वीडियो स्टार्ट होता है. तो यही जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के आगे जो भी मैं बताती हूँ वीडियो इन्फॉर्म्ड के लिए होता है, लाइक आपको कोई एडवाइस या कुछ और मिलता है उसके लिए होता है. बट इस ये सेंटेंस के आगे जो मेरे को हाफ एन आवर या वन आवर मेरे को लगता है, वो किस लिए लगता है बिहाइंड द सीन, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे को फिर इतना क्या करना होता है वीडियो के लिए, तो आपको भी समझ आएगा. प्लस मैंने आपको मेरे स्ट्रगल्स ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है. सो वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखो कि एक यूट्यूबर को हैज़ अ यूट्यूबर कितने स्ट्रगल्स होते हैं पॉइंट पॉइंट वाइज आके लास्ट एकदम फाइनल वीडियो जो होती है खाली वही आप तक पहुंचती है. बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ होते हैं, तो मैं यहाँ पे इतना कुछ नहीं बता रही हूँ, खाली सिंपल बता रही हूँ जो मतलब मैं रेडी होती हूँ. तो वीडियो के पीछे जो भी बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं इस सेंटेंस के आगे कि हाय हेलो नमस्ते, देन आप देखिएगा ज़रूर. अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. चैनल पर नए हो तो मोस्ट रिक्वेस्टेड टू यू कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम मी. सो हाय गाइस, तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों को यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स दिखा रही हूँ. जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो भी मैं करती हूँ मेकअप रिलेटेड सब कुछ, तो यहाँ पे मेरे को हाफ़ एन आवर से ज़्यादा लग गया था. और मैं यहाँ पे जो फेस पैक लगा रही हूँ वो DIYs मैंने आपको शेयर भी किया है, तो वही फेस पैक है ये. तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, समथिंग 2:30 हो रहा है. तो सबसे पहले यहाँ पे फेस वॉश करके यहाँ पे फेस पैक लगा रही हूँ. इसे ऐसा फेस वॉश भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हो. तो वो सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इधर मैं आई बटन पर भी आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. सो यहाँ पे फेस पैक पूरा लग गया है एंड मैं वेट करूँगी 5 मिनट्स तक. आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पे मैं फेस वॉश कर लूँगी. तो यहाँ पे ये फेस पैक लगाने के बाद जो ग्लो आता है वो रियल ग्लो है, जो आप अपने घर पे ट्राई भी कर सकते हो ये लॉकडाउन के दिन, और आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी होगी. एंड यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है. तो फेस वॉश करने के बाद यहाँ पे अच्छे से जब आप क्लीन करोगे तभी आप फेस पे वो ग्लो देख सकते हो. तो यहाँ पे मैं अच्छे से फेस क्लीन कर दूँगी, फिर देन सब मेकअप के रिलेटेड जो भी आपको मेकअप जो भी मैंने अभी किया है वो भी मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में दे दिया है, तो यही होता है. तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो भी होता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ प्रोसेस होते हैं. तो यहाँ पे फेस वॉश मैंने पॉन्ड्स के फेस वॉश से कर लिया एंड यहाँ पे सनस्क्रीन भी अप्लाई कर लिया. नाउ यहाँ पे मैं पॉन्ड्स का क्रीम जो होता है वो लगा रही हूँ. तो वो फिल्म नहीं हुआ था यहाँ पे. 9th पॉन्ड्स का जो पाउडर होता है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है ये, नॉर्मल पाउडर है. सो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ. देन ये अच्छे से आपको ब्लेंड कर लेना. ब्लेंड होने के बाद जो होता है यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ मैट लिपस्टिक जो अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ब्यूटी एवर का है, एवर ब्यूटी का. तो यहाँ पे पूरा अच्छे से अप्लाई करने के बाद, इन शॉर्ट ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में मैंने करके शॉर्ट करके यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है. तो यहाँ पर पीछे वॉच भी लगा है, आप टाइम भी देख सकते हो. ओनली खाली मेकअप करने में ही हाफ़ एन आवर मेरे को लग गया. एंड साथ में इसके बाद भी जो होता है वो होता है ट्रिपॉड लगाने का एक सेटअप होता है, फिर रिकॉर्ड करने का. रिकॉर्ड में भी टेक 1 से काम नहीं चलता है, टेक 2, 3, 4 ऐसे टेक्स हो जाते हैं. एंड देन जो भी मेकअप किया है रिलेटेड कुछ आपको प्रोडक्ट के लिए बता है तो वो पूरा मैस हो जाता है, तो वो भी सब अपनी अपनी जगह पर रखना पड़ता है. तो यहाँ पर आईब्रो मैं फिलअप कर रही हूँ एंड देन
मैं यहाँ पे हैज़ा जो लिपस्टिक था वही आई शेड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे टैप करके आपके आईज पे यहाँ से टैप करोगे ना तो यहाँ पे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड इनफैक्ट ये आई शेड जैसा होता है ना वैसा ही आपको लुक देता है। एंड मैं इसे हैज़ अ ब्रश की तरह भी यूज़ कर रही हूँ, ब्लश जो करते हैं तो उसकी तरह भी मैं इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखते रहिएगा एंड इसके बाद भी इसे फिर सब कर रखना पड़ता है एंड देन वीडियो एडिटिंग में भी बहुत टाइम जाता है। तो ये भी आपको धीरे धीरे मैं सारे स्ट्रगल्स जो है वो बिहाइंड द सीन्स वाला आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में बताती जाऊंगी, तो आपको भी क्या एक नॉलेज आ जाएगा। सो यहाँ पे लास्ट जो आता है वो मेरे हेयर के लिए आता है। तो यहाँ पे मेरे हेयर की जो लेंथ है वो तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे मैंने बाल वॉश किए थे इसलिए बाल मेरे ऐसे लग रहे हैं। एंड देन मैं यहाँ पे बाल थोड़े ड्राई करके मैं लिवॉन लगा रही हूँ, तो उससे क्या फ्रीज कंट्रोल होता है थोड़ा, तो बहुत आसानी होती है हेयर कोई भी स्टाइल बनाना। तो यहाँ पे मैंने ये लिवन अच्छे से लगा लिया है और लिवन भी अभी मेरा ख़त्म हो गया है। एंड देन इसको पूरा अच्छे से लगाने के बाद एक हेयर स्टाइल बना लूँगी मैं, तो वो पूरा मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया, तो सब मैंने शॉर्ट शॉर्ट कर दिया है। तो ऑलवेज़ मैं आपको बोलती हूँ कि बाल कॉम एकदम एंड से किया करो, तो इससे क्या होगा जो बालों में जो गूंज है वो जल्दी निकल जाएंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो ये तो थी मेरी एकदम शॉर्ट वीडियो, आप जो पीछे वॉच लगा टाइम देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। एंड देन अभी वीडियो लूँगी, वीडियो में भी हाफ एन आवर से ज़्यादा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड It's funny then.